इसका जो ड्यूटी मिला सरकार करेगा, नीतीश कुमार जी झाड़ू लेकर साफ करेंगे। तो निराशा लगा तो उपेंद्र कुशवाहा कहा नहीं आरजेडी में आ जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को आरजेडी में आ जाना चाहिए, जब उनसे निराश हैं तो वो आ जाए। और नीतीश कुमार जी को भी लगेगा कि आना चाहिए तो नीतीश कुमार जी गठबंधन कर लें, हम तो तैयार हैं। बिहार को डबल इंजन की सरकार से मंगल पांडे जो हैं, मंगल पांडे उनके आवास से कचरा मिल रहा है। आप तो देख ही रहे होंगे कि कचरा का अंबार पड़ा हुआ है पूरे तरीके से। बिहार को स्वच्छता स्वच्छ अभियान ही लोग चलाने का काम कर रहे हैं, बिहार को साफ सफाई का व्यवस्था होगा, लेकिन बिहार पूरे तरीके से अंधकार में जा चुका है। इसमें मेन लिप्त जो है, जो मंत्री है, अच्छा मेन सरकारें लिप्त है इसमें, सरकारें का ये घोटाले को छुपा कर रखने का काम किया है। कार्यकारिणी की बैठक हो रही है 9 तारीख को, लालू जी आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है तो इसमें तमाम लोग हैं, सब संगठन के लोग रहेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। लालू जी भी पटना आएंगे? अब तो हम तो कंफर्म नहीं बता सकते कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन सुन तो रहे हैं कि आएंगे। हाँ, एक चीज और कहा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव इससे इनकार कर रहे हैं। कितना नहीं, हमारे पिताजी ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से संगठन को चलाने का काम किया, बहुत अच्छे तरीके से संगठन को चलाने का काम किया शुरू से ही, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, तो वही रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की मांग लगातार उठ रही है, आज तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति आके देंगे, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं सर? क्या लगातार सर मांग हो रही है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? इसमें कोई नया बात नहीं, हम लोग तो शुरू से मांग किए हैं, और जब आदरणीय हमारी माता जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने भी मांग किया था विशेष राज्य का स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। जी, जो बजट आया है, एक तरफ नीतीश कुमार जहां उसका स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि बिहार को निराशा लगा है, तो एक ही जेडीयू में दो तरह की बातें। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं निराशा लगा तो निराशा लगा तो उपेंद्र कुशवाहा कहा नहीं आरजेडी में आ जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को आरजेडी में आ जाना चाहिए, जब उनसे निराश हैं तो वो आ जाए। और नीतीश कुमार जी को भी लगेगा कि आना चाहिए तो नीतीश कुमार जी गठबंधन कर लें, हम तो तैयार हैं। जेडीयू बीजेपी के अलायंस से डबल इंजन की सरकार से बिहार को क्या मिला? बिहार को डबल इंजन की सरकार से मंगल पांडे जो हैं, मंगल पांडे उनके आवास से कचरा मिल रहा है। आप तो देख ही रहे होंगे कि कचरा का अंबार पड़ा हुआ है पूरे तरीके से। बिहार को स्वच्छता स्वच्छ अभियान ही लोग चलाने का काम कर रहे हैं, बिहार को साफ सफाई का व्यवस्था होगा, लेकिन बिहार पूरे तरीके से अंधकार में जा चुका है। सफाई तो लेबर करता है ना, तो लेबर लोग करेगा सब सफाई, जो जिसका जो ड्यूटी मिला सरकार करेगा, नीतीश कुमार जी झाड़ू लेकर साफ करेंगे, सरकार ना करेगा सफाई। गाय घाट बालिका गृह कांड को लेकर लगाया है प्रशासन को और विभाग को, अभी तक कोई नोटिस नहीं किया है, मंत्री गायब है विभाग के। इसमें मेन लिप्त जो है, जो मंत्री है, अच्छा मेन सरकारें लिप्त है इसमें, सरकारें का ये घोटाले को छुपा कर रखने का काम किया है। और तो जो गलत करेगा उसको तो भगवान दंड देगा ही ना, उसको तो सच्चाई सामने आ रहा है कि किस तरीके से कितने ना जाने कितने इन लोगों ने घोटाले करने का काम किया है। तो सच्चाई सामने आ रहा है कि किस तरीके से कितने ना जाने कितने इन लोगों ने घोटाले करने का काम किया है। तो सरकार तो पूरे तरीके से घोटालों में है, काम के लिए कहाँ है? नौजवान देख रहे हैं किस तरीके से हड़ताल में बैठता है, बेरोजगारी पूरे तरीके से हो ही नहीं रहा, बेरोजगार पे बेरोजगार हो जा रहे हैं। रोजगार देने का इन लोगों ने वादा किया था, लेकिन रोजगार कहाँ दिया इन लोगों ने? कोई भी रोजगार नहीं दिया। बहाली करने के लिए, अरे शिक्षक लोगों तो पूरे तरीके से बर्बाद करने का लोगों ने काम किया। जो पुराने शिक्षक थे उनको परमानेंट नहीं किया गया, शिक्षकों को, शिक्षक तो ऐसे ही खत्म हो गया। पढ़ाई अब देख लीजिए ऑनलाइन होता है, कुछ लोग पढ़ता है कुछ लोग नहीं पढ़ रहा है। तो पढ़ाई का जो खासकर बिहार का अगर उठाया जाए ग्राफ, तो पढ़ाई का जो ग्राफ है पूरे तरीके से गिर गया है बिहार का, खत्म हो गया। सरकार ने इसको पूरे तरीके से कुछ ना कुछ रोज ना रोज मर्डर हो रहा है, रोज व्यवसायियों को मार दिया जा रहा है, हत्या हो रहा है। सरकार सोई हुई है, सरकार जब नहीं चल रही है तो जिस तरीके का आप लोगों ने सवाल किया कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो आपने सवाल किया, तो उपेंद्र कुशवाहा को आ जाना चाहिए, राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा जी को।
तो मुकेश सहनी से तो बात होती है हमारी, मुकेश सहनी को बुला रहे हैं, मुकेश सहनी से तो लगातार बात होती है हमारी। भाई बताया था तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी छोटा भाई भी बता रहे थे। हाँ तेजस्वी यादव को बताए थे, लेकिन मुकेश सहनी मेरा छोटा भाई है। देखिए बालिका गृह जिसका जो चल रहा है मामला, इसमें सरकार दोषी है, सरकार इस चीज को मान रही है, इसीलिए वो सामने नहीं आ रही, लेकिन सरकार को जवाब देना होगा, उसको हम लोग उजागर करेंगे। मुकेश सहनी आपके लोग के साथ आएंगे राजद में? आपने क्या बात करी? मुकेश सहनी आएंगे एकदम, मुकेश सहनी या मांझी जी सब लोग आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी आएंगे 110%। अब आएंगे हम बता देंगे ना, छोटी जगह बता देंगे, माने आरजेडी में 4 दिन रुक जाइए, 4 दिन रुकिए।